से भरपूर प्रदेश के स्वयंसेवक, जुलाई में होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां पूरी है। भागवत के संबोधन को सुनने के लिए उत्साहित हैं आरएसएस के कार्यकर्ता। राजस्थान में जुलाई में आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक, जुलाई में 7, 8 और 9 जुलाई को होगी प्रांत प्रचारक की मुख्य बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय खोसबोले भी रहेंगे मौजूद। देशभर के सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक होंगे शामिल। बैठक में होगी वर्ष भर के कार्यक्रमों पर मंथन व समीक्षा। चयनित प्रतिनिधि, प्रांत संचालक, प्रांत कार्यवाह, संगठन मंत्री, सांसद, देशभर से संघ के बड़े नेताओं सहित कई प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त 40 से 50 प्रबंधक बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम बड़े फैसले। तो उत्साह से भरपूर प्रदेश के स्वयंसेवक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई में होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हैं। भागवत के संबोधन को सुनने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। राजस्थान में जुलाई में आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक होगी। 7, 8 और 9 जुलाई को होगी ये बैठक प्रांत प्रचारक की मुख्य बैठक, जो आयोजित होनी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले इसमें मौजूद रहेंगे। देश भर के सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक इसमें शामिल होंगे। बैठक में होगी वर्ष भर के कार्यक्रमों पर समीक्षा और मंथन। चयनित प्रतिनिधि, प्रांत संचालक, प्रांत कार्यवाह, संगठन मंत्री, सांसद, देश भर से संघ के बड़े नेताओं सहित कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। व्यवस्थाओं के लिए नियुक्त 40 से 50 प्रबंधक बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम बड़े फैसले। ईडी ने सोनिया गांधी का अनुरोध स्वीकार किया है। सोनिया ने पेशे की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। सोनिया गांधी ने खराब तबीयत का हवाला दिया था। ईडी से पूछताछ के लिए मिला 1 महीने का वक्त। पूछताछ की अब नई तारीख जारी करेगी ईडी। कोरोना से जूझ रही सोनिया को डॉक्टर्स ने दी है आराम करने की सलाह। ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन में की है 53 घंटे की पूछताछ। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही ईडी का समन प्राप्त हुआ। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ये समन प्राप्त हुआ। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वहीं राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। जिस वक्त बुलाया गया था उस दौरान राहुल गांधी देश में नहीं थे, वो विदेश में थे, तो उनकी ओर से अगली तारीख मांगी गई और उसके बाद ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी ने किया उस तारीख पर। वहीं सोनिया गांधी को जो अगली तारीख दी गई, तो ऐसे में उनकी तबीयत नासाज चल रही है। उनकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और यही वजह कि वो ईडी के समक्ष पेश होने में फिलहाल असमर्थ थे। खराब तबीयत का हवाला उन्होंने दिया है। ईडी से पूछताछ के लिए 1 महीने का वक्त उन्हें मिला है। पूछताछ की अब नई तारीख जल्द ही ईडी जारी करेगी। वंदे भारत ट्रेन जल्द दौड़ेगी राजस्थान में। राजस्थान के 10 रूट पर ट्रेन चलाने की तैयारी है। जयपुर दिल्ली समेत 10 रूट पर चलेगी वंदे भारत। जयपुर दिल्ली, जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा रूट शामिल है, जबकि 7 रूट होंगे जल्द ही निर्धारित। इन रूट पर यात्रा पूरी हो सकेगी केवल 2 से 2.5 घंटे में। वंदे भारत की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो गई। देश में अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें ट्रैक पर लाने का लक्ष्य है। तो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसी के मुताबिक हम कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन जल्द दौड़ेगी राजस्थान में भी। राजस्थान के 10 रूट पर ट्रेन चलाने की तैयारी है। जयपुर दिल्ली समेत 10 रूट पर चलेगी वंदे भारत। जयपुर से दिल्ली, जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा रूट शामिल है, जबकि 7 रूट होंगे जल्द ही निर्धारित। इन रूट पर यात्रा पूरी हो सकेगी केवल 2 से 2.5 घंटे में। वंदे भारत की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। देश में अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें ट्रैक पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के करीब है द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के रायरंगपुर और ऊपरबेड़ा में उत्सव सा माहौल है। रायरंगपुर में मोहल डीहा बस्ती में मुर्मू का 2 मंजिला मकान है। इस मकान को सीआरपीएफ ने सुरक्षा के घेरे में लिया है। द्रौपदी को दी गई है जेड प्लस की सुरक्षा। बुधवार को सुरक्षा कारणों से समधी भी नहीं मिल पाए थे मुर्मू से। हालांकि समधी ने कहा, खुश हूँ देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिल रही है। रायरंगपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूर ऊपरबेड़ा में है मुर्मू का मायका। ऐसे में दोनों ही जगहों पर उत्साह देखा जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है और जीत के काफी करीब वो है, क्योंकि अगर संख्या बल को हम देखें, आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, तो समर्थन के साथ या कहें कि एनडीए जो एकजुट नजर आ रहा है,
तो ऐसे में वो जीत के काफी करीब है। ओडिशा के रायरंगपुर और उपरबेड़ा में भी उत्सव सा माहौल है। रायरंगपुर में मोहरडिया बस्ती में मुर्मू का 2 मंजिला मकान है। इस मकान को CRPF ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। द्रौपदी मुर्मू को दी गई है Z+ की सुरक्षा। बुधवार को सुरक्षा कारणों से समधी भी मुर्मू से नहीं मिल पाए थे। हालांकि समधी ने कहा, खुश हूँ देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई है। रायरंगपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूर उपरबेड़ा में है मुर्मू का मायका। प्रदेश में 26 से 27 जून से फिर बारिश होगी। उदयपुर और कोटा संभाग से होगी बारिश की शुरुआत। इसके साथ मॉनसून कर सकता है प्रदेश में प्रवेश। हालांकि प्रदेश भर में मॉनसून छाने में लगेगा समय। हालांकि प्रदेश बारिश की गतिविधियां कम होने से तापमान में बढ़ोतरी, पश्चिमी हवा के प्रभाव से धूप तेज हुई है। कई शहरों में अधिकतम तापमान पहुंचा है 35 डिग्री के पार। तो प्रदेश में 26 और 27 जून से फिर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उदयपुर और कोटा संभाग से बारिश की शुरुआत हुई। इसके साथ ही मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। हालांकि प्रदेश भर में मॉनसून छाने में समय लगेगा। हालांकि प्रदेश बारिश की गतिविधियां कम होने से तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। पश्चिमी हवा के प्रभाव से धूप तेज हुई है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति तैयार है। कर्मचारियों के लिए तबादलों की नई नीति तैयार है ताकि तबादलों के लिए नहीं काटने पड़े नेताओं के चक्कर। ड्राफ्ट तैयार, CM की मंजूरी का इंतजार है। नई नीति में हर साल 6 से 10 अप्रैल तक लिए जाएंगे आवेदन। 10 मई को जारी होगी तबादला सूचियां। ट्रांसफर के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को बांटा गया है 4 जोन। एक बार में हर कैडर के अधिकतम होंगे 17% तक तबादले। अनिवार्य तबादले 5%, स्वैच्छिक 5% और अंतर जिला 7% होंगे तबादले। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी कैडर पर लागू होगी ये नीति। तो शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति तैयार है। कर्मचारियों के लिए तबादलों की नई नीति तैयार की गई है ताकि तबादलों के लिए कर्मचारियों को नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़े। ड्राफ्ट तैयार है, CM की मंजूरी का बस इंतजार है। नई नीति में हर साल 6 से 10 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। 10 मई को जारी होगी तबादला सूचियां। ट्रांसफर के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोन में बांटा गया है। एक बार में हर कैडर के अधिकतम 17% तक तबादले होंगे। अनिवार्य तबादले 5% तक, स्वैच्छिक तबादले 5% तक और अंतर जिला 7% होंगे तबादले। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी कैडर पर ये नीति लागू होगी। चलिए अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि क्या बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर है, क्योंकि प्रदेश में किसी एक पार्टी के पास नहीं है पूर्ण बहुमत। भाजपा जदयू की एक साथ रहने की मजबूरी है। ऐसे में सरकार में बने रहने के लिए नहीं छोड़ सकते साथ। भाजपा के पास 77, जदयू के पास 45, RJD के पास 76, वामपंथी 16 और कांग्रेस के पास 19 विधायक है। अग्निपथ योजना के विरोध में भाजपा विधायकों मंत्री बन रहे हैं टारगेट। इधर सहयोगी भाजपा नीतीश सरकार पर लगा रही है आरोप। भाजपा नेताओं को सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है और यही वजह कि सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्या बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर है, क्योंकि प्रदेश में किसी एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। भाजपा जदयू के एक साथ रहने की मजबूरी है, तो ऐसे में सरकार में बने रहने के लिए साथ नहीं छोड़ सकते। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी संकट में पवार पॉलिटिक्स की। NCP सुप्रीमो शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि पवार के मुताबिक शिवसेना का आंतरिक संकट है और उसे ही निपटाना चाहिए। सियासी संकट के दौर में पवार की तटस्थता अनायास नहीं, जबकि महाराष्ट्र में कोई भी नेता नहीं कर सकता पवार की अनदेखी। इसके बावजूद पवार के कोई प्रयास नहीं करने से शिवसेना कांग्रेस हैरान है। सरकार पर आए संकट को शिवसेना का आंतरिक संकट बता दूरी बना ली है और अब आगे महाराष्ट्र में सभी को पवार के पार प्लान का इंतजार है। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट की हम बात कर रहे हैं और सियासी संकट के दौरान पावर पॉलिटिक्स क्या है, या कहें कि पवार पॉलिटिक्स क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे के पास नहीं कुशल प्रबंधक? आखिर जानकारी होने के बावजूद क्यों छोड़ी ढील? NCP सुप्रीमो शरद पवार ने पहले ही कर दिया था आगाह। शिवसेना विधायकों की नाराजगी को लेकर चेताया था उद्धव को, फिर भी उद्धव ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक बड़ा कारण तो यह है कि शिवसेना के पास नहीं है कोई प्रबंधक।
क्योंकि गठबंधन सरकार चलाए रखने में पवार का प्रबंधन ही करता रहा काम। दूसरी ओर ठाकरे परिवार सोचता है कि शिवसैनिक नहीं कर सकता बगावत। हालांकि आदित्य ठाकरे संभाल सकते हैं प्रबंधन, लेकिन वो भी अपनी ही सियासत में गुम है। भाजपा के आदिवासी दाव से विपक्ष में खलबली है। द्रौपदी मुर्मू को बिन मांगे ही कई पार्टियों का समर्थन है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है राष्ट्रपति का उम्मीदवार। वहीं विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा पर लगाया है दाव। मुर्मू देश की पहली आदिवासी है जो सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगी। ऐसे में एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस कर सकती है अपने फैसले पर पुनः विचार। वैसे कांग्रेस पहले भी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार एपीजे अब्दुल कलाम का कर चुकी है समर्थन। ऐसे ही केआर नारायण नन की उम्मीदवारी का कांग्रेस भाजपा ने किया था समर्थन। इसलिए अगर द्रौपदी मुर्मू को भी कांग्रेस समर्थन दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पीआईबी में नए प्रधान महानिदेशक की तलाश। वर्तमान प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर इसी माह रिटायर हो गए हैं। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। प्रधान महानिदेशक पद को लेकर अब अटकलें शुरू। सत्येंद्र प्रकाश, मयंक अग्रवाल, राजेश मल्होत्रा, धीरेन्द्र ओझा के नामों की अटकलें हैं। हालांकि सत्येंद्र प्रकाश बीओसी में ही बने रहने के बताए जा रहे हैं इच्छुक। इधर मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती की व्यवस्था से शायद ही बाहर किया जाए।